नीतीश कुमार का केमिस्ट्री जो है ना राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं है, वो एक मिस्टेक हो गया था। उन्होंने उस केमिस्ट्री को करेक्ट कर लिया। मेरा चुनाव रोहिणी जी से नहीं है, मेरा चुनाव सीधे तौर से लालू प्रसाद यादव से। तो हम बिहार के छपरा में हैं और हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी हैं, भाजपा के उम्मीदवार, यहाँ से हमारे काफी पुराने सहयोगी मित्र भी हैं। बारिश होने वाली है, शायद हमें अंदर जाना पड़े, पर मैंने सोचा मैं शुरुआत करता हूँ आपसे, कितनी अच्छी आपके जो बगीचे हैं यहाँ हैं हम छपरा में। लीची का बगीचा बहुत ही बहुत बढ़िया लीची का है। आपको क्या लगता है बिहार में क्या हो रहा है इन चुनाव में? एक तो विक्रम आप आए हैं और पिछले 50 दिन में पहला बारिश लेके आए हैं, और मैं आपको बधाई दूंगा, आप आते रहिए छपरा, बिहार और गांव मेरा अमनौर है। और बादल भी गरज रहे हैं मुझे अब प्लीज। अच्छा, धूप से इन चुनाव में इतनी धूप हुई है कि अच्छी बात है कि अब बारिश। मैंने पहले ही बारिश आप लेके आए तो आपको बहुत बधाई। आज चुनाव के परिणाम के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, छपरा के बारे में लोग एक ही बात कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया में छपरा के लोग हैं, तो मैंने उनको समझाने का एक अच्छा तरीका ये निकाला है और वो सच्चाई है। जब जब हम छपरा जीतते हैं, सारण पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तब तब हम पूरा बिहार जीतते हैं, और जब जब हम पूरा बिहार जीतते हैं तो देश जीतते हैं और नरेंद्र मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। पिछली बार 40 में से लगभग हर एक सीट भाजपा और जेडीयू ने जीती थी, फिर काफ़ी उलट फेल हुआ, जेडीयू उस तरफ चली गई, जेडीयू वापस आ गई। अब आपको क्या लगता है 40 सीट हैं पर तेजस्वी यादव जी से भी हम बात कर रहे हैं? पिछले बार एक सीट था और नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा निर्णय लिया कि नीतीश कुमार का केमिस्ट्री जो है ना राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं है, वो एक मिस्टेक हो गया था। उन्होंने उस केमिस्ट्री को करेक्ट कर लिया, और जैसे ही नीतीश कुमार ने उस केमिस्ट्री को करेक्ट करके वापस एनडीए के पार्टनर बन गए, वो फिर से बिहार में 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो शायद उससे जेडीयू को के सीटों पे खास कौन से? देखिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर और नीतीश कुमार के ऊपर एक भी दाग नहीं है, एक भी ईडी का केस नहीं है, एक भी इनकम टैक्स का केस नहीं है। हिज ऑनेस्टी, हिज हार्ड वर्क, उसकी कोई तुलना नहीं है। ही इज अ क्रेडिबल मैन। पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं एंड ही मे हैव टेकन अ कॉल, बट आई डोंट थिंक इट स्टिक्स ऑन हिम एनीवे। But you don't think that the JDU seats are going to be somewhat weaker in the BJP seats? Well, this is a perception which is being drawn by the opposition. But if you talk at the ground level, if you see what's happening, it's a surge. Bihar is again back to BJP NDA. No one can stop it. Okay. आपका यहाँ जो चुनाव है वो रोहिणी आचार्या से है, जो एक तरह से परिवार से ही है, तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेरा चुनाव रोहिणी जी से नहीं है, मेरा चुनाव सीधे तौर से लालू प्रसाद यादव से है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रोहिणी जी अगर उनकी बेटी नहीं होती तो एक भी व्यक्ति उनको नहीं पहचानता, तो ये चुनाव लालू प्रसाद। अब सब लोग कहते हैं हॉट सीट, सभी पत्रकार आके कहते हैं रूडी इट्स अ हॉट सीट। भाई, वाई डू यू फॉरगेट, 1996 में जब लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और मेरे संसदीय क्षेत्र में 6 के 6 असेंबली सीट्स, ऑल 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर विथ लालू प्रसाद यादव जी, आई हैड गॉट इलेक्टेड। आई हैव कंटेस्टेड अगेंस्ट लालू यादव, आई हैव वन अगेंस्ट हिज कैंडिडेट, आई हैव कंटेस्टेड अगेंस्ट हिज वाइफ श्रीमती राबड़ी देवी, हु हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर। लालू यादव वॉज अ चीफ मिनिस्टर, राबड़ी देवी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर, आई वन अगेंस्ट हर। देयर वॉज अ सिचुएशन वेर हिज समधी ऑल्सो कंटेस्टेड, आई वन अगेंस्ट हिम। नाउ हिज यंगर डॉटर इज कंटेस्टिंग, सो आई एम for me, you used to fight it. It's my home turf. It's my village. I stay in a village, and most of the people who think I speak English don't understand that I stay basically. Okay, so I'll ask you one more question in English, then we can go back to Hindi, which is, when you're looking at the broad issues, many people felt that these elections were going to be a referendum on Narendra Modi, 10 years of government of. Absolutely, absolutely, and I can say, we have been agents of change at the constituency level. If today you look at Chapla in Bihar. I've been part of the government in a different way as a member of parliament. The investment in Chapla in Bihar is the largest in the country. Today, we are spending 33,000 crores on infrastructure. When did it ever happen? Where does it ever happen? Har gaon mein, mere yahan Saran mein duniya ka akela, aur aap 2 saal ke baad...
पर मेरा यही इसमें, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, इसमें यही सवाल है कि जो मैं कह रहा था रेफरेंडम नरेंद्र मोदी जी के सरकार पर, अगर वो मुद्दा था, वो मेन इशू था, लग रहा है कि बातचीत कुछ अन्य चीजों पे हो रही है, हिंदू मुस्लिम पे हो रही है, इनहेरिटेंस टैक्स पे हो रही है। मैं तो ग्राउंड लेवल पर काम करता हूं, मैं ग्राउंड लेवल पर काम करता हूं, और ऐसे ही 40 साल मेरे पॉलिटिकल यात्रा हो गया, ऐसे ही कोई लॉटरी करके या टॉस करके तो बना नहीं हूं। ग्राउंड पर सिर्फ एक ही चर्चा आता है गरीबों में, मोदी जी हमने के देले बा, मोदी जी हमने खातिर काम करता, मोदी जी हमने खातिर लागल बा। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, कहाँ गरीबों को उपचार के लिए पैसा मिलता था 5 लाख का इंश्योरेंस, गांव-गांव में, जैसे छपड़ा में अगर गांव-गांव घर-घर में गैस पाइपलाइन रसोई गैस भारत में नहीं है वो पहुंच रहा है, आप जिस तरह से अनाज गरीबों को मिल रहा है उसके बाद अपने परिवार सब्जी खेती करके काम चला ले रहा है, जिस प्रकार से 24 घंटा बिजली आप छपड़ा की सड़कों पर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी सड़कों पर आपने पार किया है, या तो CRF का रोड है, स्टेट PWD है, नेशनल हाईवे, यू विल फाइंड ब्यूटीफुल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। A recipe of the central government, the schemes of the central government and the state government when they have worked to their, Bihar is at a take-off point now. Bihar is going to show the country it's going to be a leader as far as development is concerned. It's fabulous. And everything what Mr. Modi did or has said has been delivered to the last point. And that is what he's speaking today. So a lot of the people in the opposition are saying that if all of this is true, and there's no doubt that the roads and the development is there, then why all of this talk of Hindu, Muslim and all of that? Is there some sign of weakness, of nervousness? I, in my constituency, I don't say. But if you see, Mr. Lalu Prasad Yadav's vote is, he banks on the Muslims for whom he doesn't care at all. He thinks, ye mera toh apna kabja ka vote hai. I think it's the rain is starting to pick up. I brought rain. I didn't know I was going to bring so much rain out here. एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं इसके पहले कि हम, I think we should go and get shelter, इसके पहले कि आप पूरी तरह से गीले हो जाएं। आरक्षण का जो मुद्दा है, in fact चलते चलते भी बात शायद कर सकते हैं, अगर if you want to go to get to some shelter. तो opposition काफी हद तक यही कह रही है कि देखिए अगर 400 सीट आ जाए, संविधान में संशोधन होगा, आरक्षण शायद चला जाए, तो उस पर आपका आपके क्या विचार है? उस नैरेटिव को आप कैसे काउंटर करेंगे? ये देखिए, आप जो कुछ खाना चाहते थे ना, दिस इज एब्सोल्युटली फ्रेश, ट्राई इट, ककड़ी, हाँ ककड़ी, अमेजिंग, ओह माय गॉड, राइट फ्रॉम फ्रेश दैट गेट्स, अच्छा फ्रेश दैट गेट्स, आज सुपर। बीच में लालू जी कई जगह संविधान पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, आरक्षण बदल जाएगा, आरक्षण में बदलाव, ये लोग बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे। भाई लालू जी पढ़ना लिखना आप शुरू कीजिए, वैसे भी बहुत उम्मीद नहीं रहती है। संविधान भारत का 127 बार बदला गया है और किसी ने संविधान में ना दलितों का आरक्षण समाप्त किया है, ना पिछड़ों का आरक्षण समाप्त किया है, और हम लोगों ने तो आरक्षण दिया है महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में। तो कहने का मतलब है अब उनके पास मुद्दे नहीं हैं और ये सब विषय प्रसंगहीन है, क्योंकि अब देश के लोगों ने फिर से एक बार मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। हम लोग तो सिर्फ साधारण से कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। पर यही आरक्षण की बात तो दोनों तरफ से हो रही है, क्योंकि आपके तरफ से भी, भाजपा के तरफ से भी यही बात आ रही है कि जो आरक्षण है शायद OBCs और पिछड़ों और दलितों से हटाकर मुसलमानों को दे दिया जाए। ऐसा कभी ना होना है, ना हो सकेगा, और ये मिथ्या फैला करके अगर वोट बढ़ाना चाहते हैं तो उन पर तो आप ही के लोग कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लालू जी और उन लोगों के वक्तव्य पर किसी को भरोसा नहीं। पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि उनके बातों पर अब किसी को भरोसा नहीं है। न राहुल जी के बातों पर किसी को भरोसा है, न लालू जी के बातों पर किसी को भरोसा है। आपको क्या लगता है कि अब अगर बिहार में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दे के बारे में हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं, बेरोजगारी है कि जो इन्फ्लेशन है उस पर भी चर्चा होती रहती है, बेरोजगारी का प्रॉब्लम तो शायद लग रहा है। बेरोजगारी का नहीं है, बिहार का पिछड़ापन रहा है, और मैं एक बहुत बड़ा अभियान लेके बिहार में चलता हूँ कि बिहारी आगे है तो बिहार पिछड़ा क्यों? देश में कलेक्टर आई बिहारी है, SP बिहारी है, चौकीदार बिहारी है, लिफ्ट बिहारी है, IAS IPS पब्लिक सेक्टर में बिहारी है, बैंकों में बिहारी है, मजदूर बिहारी है, अफसर बिहारी है, तो बिहारी पूरे भारत को चला रहा है, लेकिन बिहार क्यों नहीं, बड़ा सवाल है। इस पर हम लोग चुनाव के बाद बात करेंगे। ठीक है रूडी जी, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात करी। आप छपड़ा आए, अमनौर आए, मेरे गांव में आए, आई एम डिलाइटेड। आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग अगेन आफ्टर द इलेक्शन। थैंक यू, लुक फॉरवर्ड टू सी यू।